हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपको मेरे को वास्तु का उपाय बताते हैं, जिससे आप अपने घर के वास्तु दोषों को, अपने ऑफिस के वास्तु दोषों को, अपने गार्डन के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। दूसरा, हमारे बहुत सारी वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे काम धंधे में बरकत नहीं हो रही, पैसे की रुकावट है तो क्या करना चाहिए, शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, मतलब जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी समस्याओं से बचने के लिए हम हर वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के गिफ्ट देने से या इस प्रकार के कार्य करने से हमें धन हानि हो सकती है, तो अपने आप को धन हानि से बचाने के लिए यह कार्य आप कभी ना करें। दोस्तों, देखिए, आज के समाज में हमें गिफ्ट देने का एक प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। हम हर रोज़ किसी को गिफ्ट देते हैं, कभी हम पैसे गिफ्ट करते हैं, कभी कोई दूसरी चीज़ गिफ्ट करते हैं, तस्वीरें गिफ्ट करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए दोस्तों, जिनमें हमें लड़ाई झगड़ा दिख रहा हो। जैसे कोई रेटेड तस्वीर है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के साथ युद्ध कर रहा है, या ऐसी चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि ये चीज़ें शो कर रही है, तो हमें ऐसी चीज़ों को गिफ्ट देने से बचना चाहिए। और धन हानि से बचने के लिए दोस्तों, हमें कभी भी भगवान की तस्वीरों को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। जैसे हम कई बार अपने यारी दोस्ती में और अपने मेहमानों के लिए ऐसी चीज़ें गिफ्ट करने के लिए प्रयास करते हैं जो उनको बहुत अच्छी लगती है। जैसे किसी तस्वीर को ले लीजिए, भगवान की तस्वीर, गणेश जी की तस्वीर का चलन और लक्ष्मी जी की तस्वीर का चलन आजकल बहुत है। हम गिफ्ट देते हैं अभी अपने रिश्तेदारों के लिए भी, तो इस प्रकार की चीजों का गिफ्ट हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें धन हानि होने की संभावनाएं बढ़ रही है, हम दूसरे के लिए रास्ता अच्छा खोल रहे हैं। इसीलिए जब भी आप भगवान की तस्वीर खरीदें तो यह सिर्फ अपने मंदिर के लिए अपने पैसों से खरीदें, ना कि अपने पैसे से खरीद कर दूसरों को गिफ्ट दें, इससे आपको धन हानि की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि गिफ्ट के तौर पर जब भी आप कोई चीज़ या कोई आइटम सिलेक्ट करें, वो अपनाएं, तो उसमें भगवान की तस्वीर ना हो, कोई भी ऐसी तस्वीर ना हो जिसमें युद्ध वगैरह की सिचुएशन बनी हो, युद्ध वगैरह हो रहा हो। तो ऐसी गिफ्ट कभी भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ना दें, इससे आपके रिश्तों में दरार आएगी, रिश्ते टूट भी सकते हैं और आपको धन हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक छोटा सा आइडिया हमने आपको बताया कि किस प्रकार के गिफ्ट से आपको बचना चाहिए। और भी लोगों तक यह आइडिया पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।